को मिलाकर राजधानी रांची में आए दिन भू माफियाओं के द्वारा कई तरह की घटनाएं हो रही है। इसी क्रम में अनगढ़ प्रखंड में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जमीन मालिक जियाउल हक पिता स्वर्गीय लियाकत हुसैन ने कहा कि मेरी जमीन को भू माफियाओं के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। कुछ नेता टाइप के लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि मेरी जमीन 1959 को मेरे पिता स्वर्गीय लियाकत हुसैन खरीद चुके हैं। इसके बाद जमीन पर जमीन वापसी का केस हुआ, जिसकी डिग्री हम लोगों को मिली। बाद में 2008 में कुछ नेता टाइप के लोग अंचल से मिली भगत कर जमीन का फर्जी कागजात बना लिए और रजिस्टर 2 में भी नाम डलवा लिए। मेरी जमीन पर मुझे भी जाने नहीं दिया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मकसद ये है, मैं परेशानी के आलम में फंस गया हूँ, इसलिए बुलाया हूँ कि मेरा जमीन में कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं और मेरा जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के नाम से रजिस्ट्री करवा दे, जबकि 1959-60 में मेरे पिताजी खरीद चुके हैं जमीन, मोटेशन हो चुका है, हम पर जमीन वापसी का केस हुआ, केस डिग्री हो चुका है मेरे नाम से। उसके बाद भी 2008 में एक नेता जी हैं, वो जो है अपने लोहार लोगों को, दो आदमी को ले जा करके रजिस्ट्री कांति चंदन जयकर के नाम से करवा दिए हैं, जबकि लोहार लोग 37 आदमी होता है, लेकिन मात्र एक बाप के दो बेटा को ले जा करके, किसुन और बालक को ले जा करके रजिस्ट्री करा करके कांति चंदन जयकर के नाम पर, हम लोग को पता ही नहीं था, करा दिया, मोटेशन भी करा दिया। और अभी मेरे ज़मीन में कोई काम करते हैं तो रोक दिया है, अभी 144 लगा दिया, कोर्ट में केस कर दिया है, बहुत ज़्यादा परेशानी है हमको। अब इससे हमको कैसे निजात मिले, इसका हम ढूंढ रहे हैं, जबकि इस पर केस हो चुका है कांति चंदन जयकर के नाम पर, हमने केस किया है, अदालत में मामला चल रहा है और वो मामला अब सुनवाई पे आया हुआ है। जब सुनवाई पे आया है तब जा करके ये लोग यहाँ जो है दबंगई कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, प्लॉट जाने से मारपीट का धमकी देते हैं, केस में फंसवा देंगे, उठा देंगे धमकी देते हैं, और जो बाउंड्री करा है पूरा बाउंड्री गिरा दिए रात में जा करके, 150 आदमी ले जा करके गिरा दिए, हमको पता ही नहीं चला कि कब गिरा, कौन गिराया, गन उनका धमकी देते हैं कि कोई भी आता है गोली मार दो, ये करो। अब हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, मेरा सब भाई जाता है रंग चुना का काम करता है, रंग पेंट का, हम सिलाई का काम करते हैं टाटा सिल्वर में, हम लोग को कुछ पता ही नहीं होता, और उधर प्लॉट में जो है गेम हो जाता है, खेल खेल लेता है लोग। इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम, और बहुत ये कुछ लोग अपने नेता होने का, नेतागिरी का फायदा उठा रहे हैं। देख लीजिए मेरे पास सारा ओरिजिनल पेपर है, देखिए डीड है, ये भी डीड है मेरा, ओरिजिनल डीड है, देखिए पिताजी जो खरीदे हैं ओरिजिनल डीड है, सारा डीड मेरे पास है, सब कुछ होते हुए जाली करा करके उन लोगों ने ऐसा किया है, और जो जाली करा है वही लोग अभी आ करके दादागिरी कर रहे हैं। ये सारा डीड है मेरे पास, ओरिजिनल डीड है, आप देख लीजिए, देखिए कलेक्शन स्लिप है जो अंचल से हमने कराया है मोटेशन, सबका कलेक्शन स्लिप है, रसीद है, सारा कुछ मेरे नाम से है, देखिए सारा रसीद है इसमें। उसके बावजूद हम कहाँ, मेरा कमी है कहाँ, ये है जो दादागिरी करके ये लोग उसके बाद बेच करके, और वो कांति चंदन जयकर कहीं पैसे से इंजीनियर है, वो आदमी भेजता है, या तो उसका आदमी है ये लोग, या तो वो खरीद रखा है इन लोगों को दादागिरी करने के लिए, कमीशन पर काम कर रहा है और हम लोग को हड़का करके ज़मीन को बेच देना चाहता है, हड़प देना चाहता है, मजबूरी, बस हमको तो लग रहा है कि अब हमको भी मजबूरी में बेचना पड़ेगा, चूँकि हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, हमको बेचना ही पड़ेगा ज़मीन, तो बेचने जो आता है उसको भी लोग धमकी दे के भगा देता है, अब हम क्या करें, हम मजबूर हैं, इसमें होते हुए मजबूर हो करके आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमको बुलाना पड़ा, चूँकि उनके पास प्रेस में काम करने वाला उनका बेटा भतीजा लोग भी है, वो लोग भी जो है मोबाइल से करके न्यूज में चला देता है, कैसे किए ये समाजसेवी है बोलता है, न्यूज में चलाता है, बोलता है मुस्तफ़ा अंसारी इस इलाके का सबसे बड़ा समाजसेवी है, आप देख लीजिए कैसा समाजसेवी है, सारा डी 1959-60 का मेरे पास, मोटेशन मेरे पास, केस लड़े, जमीन वापसी का केस किया उन लोगों ने, उसका डिग्री मेरे पास, जो मेरे डिग्री हुआ मेरे पिताजी को, वो डिग्री मेरे पास, 2008 में उन्होंने, दो लोहार उनका काम करता था, उनको ले जा करके डीड करवा दिया,
और उस डीड के आधार पर हड़पने का कोशिश कर रहा है, और वो बोलता है कि उनका डीड है, उनको कैसे नहीं दोगे, और बोलता है जमीन लेके रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, हमने देखा मोबाइल में, उन्होंने कहा कि ये जमीन वो एक पटना का आदमी है जो खरीदा है, उसको हम दिला के रहेंगे, हक दिला के रहेंगे। मेरे पास आया ना, मैं बगल का हूँ उनका, मेरे पास आया नहीं, मेरा पेपर देखा नहीं, और वो जो करवाया है, पैसा लिया है, पैसा खाया है उससे, तो उसका जो है ये कर रहा है। अगर उन पर इंसानियत होता, नेता अच्छे होते, तो उनको मेरे पास आना चाहिए, कहना चाहिए कि बाबू तुम्हारे पास क्या पेपर है, दिखाओ, किस आधार पर तुम इसको कर रहे हो, दिखाओ। मेरे पास जो है करमाली लोग भी है, फलेंदर करमाली है मेरे साथ में, और करमाली लोग हैं मेरे साथ में, उन लोगों ने कभी दावा नहीं किया। उन लोग तो बोलते हैं कि हम तो दे दिए हैं उनको, लियाकत हुसैन को। पहले जिस समय जमाबंदी हमको पता चला कि दोनों के नाम से जमाबंदी चल रहा है, हम गए थे उस समय जो सीओ थे उनके पास, बोला ये तो गलती से हो गया, कैसे कर दिया, हम तो नहीं किए, अगला सीओ किया, ये बोल करके हमको भेज दिए। फिर बाद में गया, दूसरा सीओ आ गए, तो ये कैसे होगा, तो बोला ये कोर्ट से होगा, यहाँ से नहीं होगा, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमने वो भी कोर्ट को कहा है, कोर्ट में लिख करके जो केस चल रहा है उसमें हम दर्शा दिए हैं कि इसका ये कर दीजिए। केस नंबर मेरा है 46/2013, हमने केस किया है, जो केस चल रहा है फैसला में आया हुआ है। अब फैसला में आया हुआ है तो शायद उनको लग रहा है कि मेरे पक्ष में नहीं होगा, उनके पक्ष में होगा, बोल करके ये दादागिरी करना शुरू कर दिया है। अब मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, खेती भी नहीं कर रहा हूँ उसमें, अभी मैं छोड़ दिया हूँ, चूँकि केस चल रहा है, केस का जो डिसीजन आएगा उसके बाद मैं वहाँ कुछ करूँगा। डिसीजन आया, डिसीजन आ रहा है तो हम बाउंड्री कर लिए। बहुत ब्रोकर लोग आते हैं और वहाँ जो है दलाल लोग अपना सबको दिखा करके पैसा उठाते हैं, ये करते हैं, लोग आ जाते हैं, ये सोच करके हमने जो है बाउंड्री कराया। अब क्या गया बंदूक लेकर के, तो ये लेकर के, तमंचा लेकर के, बताइए लाठी डंडा लेकर के, अंचल को भी हम फिर कहेंगे, फिर से जाके कहेंगे, अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो हम कोर्ट तो गए हुए हैं, कोर्ट को एक अप्लीकेशन और देने जा रहे हैं कि मेरे ज़मीन में देखिए केस चल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने वकील से भी बात किया तो बोला कि लिखित देना होगा आपको, जो केस चल रहा है वही कोर्ट में फिर से देंगे कि देखिए मेरे साथ कौन कौन, उस वहाँ पर टोल टैक्स बना हुआ है मेरे ज़मीन में, टोल टैक्स में ज़मीन में पैसा भी गया है, वहाँ भी इन लोगों ने रोक दिया, वो पैसा भी मेरा फंसा हुआ है, दावा कर दिया कांति चंदन जयकर के नाम से, तो वो पैसा भी मेरा फंसा हुआ है। वो लोग बोले कि यहाँ से हम देखे फुटेज में सारा फोटो आया हुआ है, कौन कौन किया है, क्या किया है, बोले फोटो फुटेज दे दीजिए हम लोग को, और इन लोगों के नाम पर केस किया जाएगा। तो वकील से बात हो गई है, वही केस नंबर में एक केस और होगा इन पर जो मैं करूँगा, लेकिन पहले मसला देख ले रहा हूँ, पैसा भी नहीं है, केस करने में तो पैसा भी खर्च होगा। तो देखिए जो हमारे साथ परेशानी है, जो लोग परेशान कर रहे हैं, हम थाना को भी तला किए हुए हैं, थाना को भी लिख के दिए हैं। मान लीजिए अगर किसी को बॉडीगार्ड मिलता है और उस वो बॉडीगार्ड भी वहाँ मौजूद होता है, उसके सहारे अगर ऐसा करता है तो क्या इसको क्या समझा जाए। आदमी आपको अपना सेफ्टी के लिए मिला और आपने इस सब का दुरुपयोग करना सोच लिया, हम ही लोग पर धौंस जताने लगे, ये तो गलत बात है, मेरे समझ से ये गलत है। और मैं कानून में जा रहा हूँ, कोर्ट में जाऊँगा, इस फुटेज को लेकर के मैं वकील से मशवरा कर चुका हूँ। वकील कह रहे हैं जो फुटेज में है, जिनका नाम है, जो आ रहे हैं वो दे दीजिए, चूँकि इस प्लॉट पर केस चल रहा है ऑलरेडी, आपका आपने केस किया हुआ है, उसके बाद ये लोग दादागिरी कर रहा है, तो वो फुटेज हमको दे दीजिए। फुटेज आया हुआ है, फुटेज मैं निकाल लिया हूँ, आज कल में मैं दे दूँगा इसको। बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, देखिए दुकान बंद हो जा रहा है, एक सिलाई का दुकान है मेरा, देख लीजिए छोटा सा, इस दुकान को बंद करना पड़ रहा है। कभी ब्लॉक का चक्कर है, कभी प्लॉट में जाना पड़ता है कि चार गो आदमी आ गया है, आइए, भाई बोल देता है, छोटा भाई है, वो कुछ कर नहीं सकता है, फिर हम लोग फौरन जाते हैं वहाँ, हम लोग को देख करके लोग इधर उधर हो जाते हैं। कभी तो कोर्ट जाना पड़ रहा है, वकील का घर जाना पड़ रहा है, मेरा दुकान का मिला जुला के मेरा बिजनेस ठप हो गया है, मेरा काम बंद हो गया है, इस स्थिति पे हम आ गए हैं। एक तो ज़मीन भी लुटा रहा है, काम भी लुटा गया, मेरा आमदनी का जो जरिया तो भी खत्म हो गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।